ये देख सकते हैं डेडा की आने की खुशी स्माइली को। कहाँ रह गए? तो ये सारे मिठाई आए हैं बांटने के लिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। तो कैसे हैं आप लोग? आज है दिवाली, तो आप सबको हैप्पी दिवाली। और आज तो क्या ही बोलूँ, सुबह से कल से ही सफाई में लगी हुई, हालत बहुत ख़राब है। अभी शाम तक बस जैसे तैसे सोच रखा है कि एडजस्ट हो जाए। सामान तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बट सफाई हो जाए ताकि मैं अच्छे से पूजा कर पाऊँ। तो आज कुछ भी करने का टाइम नहीं है, ब्लॉग भी नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं। और इधर आज फौजी साहब किचन में है, वो कुछ नाश्ता बना रहे हैं और मैं सफाई में लगी हुई हूँ, क्योंकि सफाई उनसे होगी नहीं। तो उन्होंने बोला कि मैं किचन में जाता हूँ, तुम सफाई करो। तो सब कुछ दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। आगे हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, वो सब आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, अगर हो पाया तो। तो चलिए अभी कर लेती हूँ मैं सारी तैयारी, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी। शाम को तैयार हो जाऊँगी, जब हम पूजा करेंगे तो वो हम दिखाएंगे, ठीक है? तो अभी हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं शाम के पूजा की, और हम कर रहे हैं घर की सजावट। और देख सकते हैं फौजी साहब मेरी हेल्प करवा रहे हैं, मतलब मैं फौजी साहब की हेल्प करवा रही हूँ। यहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें वही करेंगे। और ये तोरण भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस पर शुभ लाभ लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों ने देखा भी होगा, ओपनिंग वीडियो मैंने एक की थी। और इधर भी बाहर लाइट वाइट सब लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें फौजी साहब ही लगाए हैं, जैसे जैसे उनको टाइम मिल रहा था वो कर रहे थे। इधर स्माइली नीचे चली गई हैं नहा के, बाल लहरा रही हैं, शैम्पू किया था। तो वैसे तबीयत तो इसकी ख़राब है, लेकिन फिर भी आज दिवाली है तो मैंने शैम्पू कर दिया। और इधर लग गया है लाइट वाइट, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा शाम भी हो गया है, तो अभी जलने स्टार्ट हो गए हैं। इधर सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। हे गाइस, तो अभी मैंने नहा लिया है और हो चुका है शाम, सारी तैयारी हो चुकी है, बस मुझे पूजा की तैयारी करनी है। बहुत ही लेट हो गया है, और लेट होने का रीज़न आप लोगों को पता ही है कि एक दिन में सब कुछ शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी मैंने किया है जितना हो सका है, मैंने साफ़ सफाई मतलब सब कुछ कर लिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। मैंने फर्स्ट रूम को सबसे पहले साफ़ किया, क्योंकि कोई भी आएगा तो उधर ही आएगा, और जो माता रानी का मंदिर है वहाँ वो जगह तो साफ़ होनी ही चाहिए, और बेडरूम तो सोना ही है, तो मतलब लगभग हो ही गया है। फिर भी जैसे भी जो भी सामान थे, तो मैं आप लोगों को दिखाई थी कि यहाँ पे स्टोरेज बहुत ज़्यादा है, कबर्ड वगैरह ज़्यादा है, तो मैंने सारे ही सामान वैसे ही अंदर भर दिए हैं, और धीरे धीरे करके मैं सारा व्यवस्थित करूँगी। लेकिन ऊपर से मैंने सफाई कर ली, क्योंकि माता रानी का पूजा करना था, तो साफ़ सुथरा होता है तो अच्छा लगता है। तो फाइनली मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, और ऐसी स्थिति में हूँ ना कि अब क्या ही बोलूँ। ऐसे तो मैं कभी नहीं दिखती हूँ दिवाली के दिन, मतलब हमेशा सज धज के। आज भी तैयार होंगे लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। साड़ी मैंने रखा हुआ है, स्माइली का भी ड्रेसेज रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या होगा, मैं तैयार हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। देख सकते हैं अभी मेरे बाल गीले ही हैं, मैं नहा के आई थी। फौजी साहब को जो भी करना था वो तो लाइट व्लाइट लगा के, मतलब सारी तैयारी ही वही किए हैं लाइट वाइट वाला, बाकी मैंने सफाई किया है। और अभी खाना भी बनाना है, खाना भी मैंने बनाया नहीं है। आज हमारे यहाँ पकौड़े उकौड़े बड़ी फुलौड़ा सब बनता है, कढ़ी बड़ी, तो वो सब बनाने हैं, पकौड़े भी बनाने हैं। तो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले सोचा कि पूजा कर लेती हूँ अच्छे से, दिवाली सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद हम खाना बनाएंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। सब लोग आने लग जाते हैं, मैं तैयार नहीं रहूँगी ऐसे रहूँगी तो फिर। और मुझे ठंडी लग रही थी ना, इसलिए मैंने ये वुलन वाला पहन लिया, क्योंकि पूरे दिन सफाई किया था मैंने, उसके बाद मैंने शाम को नहाया तो बहुत ठंडा लग रहा था, तो फिर मैंने ये डाल लिया, तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब रियली ये वुलन वाले नाइट सूट्स ना बहुत ही अच्छे हैं डेली यूज के लिए। फिर मैंने पहन लिया तो मुझे अब गर्मी ही लग रही है, ठंडी नहीं लग रही है, तो इसीलिए। और देख सकते हैं अभी, चलिए तो अभी मैं तैयार होकर मिलूंगी, तब तक जो भी तैयारी करती हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाती हूँ। जिस स्थिति में हमने सफाई की है मैंने फौजी साहब ने मिल के, तो वो सारी चीज़ें तो दिखाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था जिस स्थिति में हम थे। बाकी अभी थोड़ा बहुत जो भी होता है आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? अपडेट देती रहूंगी मैं कि कैसे हमारा दिवाली बीता। मुझे लग हे गाइस, तो अभी कोई आ गया था तो मैं चली गई थी, और देख सकते हैं मैं मंदिर के पास ही बैठी हूँ यहाँ सारी तैयारी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा बात करते हैं,
एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब चैन की नींद ना, मुझे सालों साल हो गए हैं सोए हुए, कितने दिनों से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। बाप रे, पता ना सुकून वाला टाइम कब आएगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चूड़ियाँ निकाल ले रही हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि चूड़ियाँ नहीं पहनी है। पहनती हूँ यार, कभी कभी जब चेंज करना होता है तो वो गलती से रह जाता है। तो चलिए मैं करती हूँ, है ना, इधर रंगोली वगैरह करना है सारा। अभी कर रही हूँ मैं स्माइली को तैयार, और इसके बाद मैं तैयार होऊंगी। पहले सोचा ना कि स्माइली को कर देती हूँ, क्योंकि मेरे तैयार में होने में टाइम लग जाएगा, साड़ी वाड़ी पहनना रहता है। तो पहले इसको तैयार करके भेज देती हूँ। और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, फौजी साहब तो गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसको स्वेटर पहना दो, ट्रैक सूट डाल दो, खेलती रहेगी। लेकिन नहीं, मुझे शौक था कि मैं इसको तैयार करूँ, सो फाइनली कर ही दिया। वो थे नहीं अभी तो मैंने इसको तैयार कर दिया, फिर बाद में स्वेटर डाल दूँगी मैं इसको। रेड कलर का आई कलर रेड, ये बगुली थी। हाँ इधर ना, और बंद करो, बंद पट्टी कभी लगा दो, तो मैं और बेबी कैसे रोकूंगी। बड़ी हो रही थी, अपना दही था।
तो खत्म हो गया था। चलो देख लो ठीक है इधर से। स्माइलो आगे ना इधर, ये देख सकते हैं डेटा के आने की खुशी स्माइली को। स्माइली हाय, नमस्ते डेटा, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आइए, थैंक यू बेटा। आप लोग नीचे नहीं आ रहे, नीचे नहीं आ रहे, चलो आ गए। वेट कर रही हूँ, मैं देखती हूँ। खोलो स्माइली, डांट लगानी है उनको अभी। कहाँ रह गए? डांट लगानी है। हैप्पी दिवाली। और ये क्या यार, सूज पहन के है ना? तो ये सारे मिठाई आए हैं बांटने के लिए, तो अभी हम लोग पहले मिठाई बांट के आ जाते हैं। फौजी साहब का दर्शन करा दिया आप लोगों को, आ चुके हैं, पहले मिठाई बांट के आएंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे, है ना स्मैली? चलो ऐसे ले लो। गाइस, तो हम तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं आज मैंने खुले बाल किए हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि ऐसे मेकअप पे खुले बाल करते हैं। बाकी का आपको बाद में अपडेट देते हैं, हम लोग जा रहे हैं मिठाई बांटने, फिर आके बताते हैं आपको। मिल गया, देख सकते हैं फौजी साहब ने मेरे लिए नई जूती लेके आई है। दो स्माइली मम्मा की जूती, उन्होंने बोला कि आज यही नया वाला पहनो, तो मैं पहन ले रही हूँ। Happy Diwali everyone! Happy Diwali everyone! Yeah, Happy Diwali, same to you, flag kiss कर दो। चले? हाँ, sorry मैं हिला रही थी। तो चलिए अभी हम पहले मिठाई बांट के आ जाते हैं, फिर फौजी साहब तैयार होंगे, उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे, ठीक है? दुपट्टा तुम्हारा, दुपट्टा दुपट्टा रूम में।
तो अभी हम मिठाई उठाई दे के आ गए और सारी तैयारी हो गई, तो अब हम पूजा करेंगे। फौजी साहब भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और आपको पता है हमारा पूजा करने में लेट हो गया था। मतलब सब शाम को ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन हमारा पूजा करने में 10 बज गया था और बाद में मुझे पता चला कि शुभ मुहूर्त 10 बजे का ही था। किसी ने बताया मेरे को कि 10 बजे का मुहूर्त था, तो मुझे दिल को बहुत खुशी मिली कि चलो यार, मतलब हमारा तो फौजी साहब की वजह से लेट हुआ, वो लेट से आए तो, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो फाइनली हमारा बहुत अच्छे से पूजा हो गया और चारों तरफ हमने दिए रख दिए और खुशी खुशी बहुत ही हैप्पी हैप्पी हमारी दिवाली भी थी। आप लोग बताना कि आप लोगों की दिवाली कैसी थी और कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग, कैसे लग रहे थे हम, सब कुछ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और कैसी लग रही थी मैं, मैंने आज सिंपल लुक रखा था क्योंकि टाइम भी नहीं था बाल बाल बनाने का, लेकिन जो भी हो ठीक है, ऐसे भी कभी कभी रहना चाहिए। तो अभी मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी इस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा।